इसी से लिफ्ट ली थी। ये मर कैसे गया? आपके चेहरे का रंग बता रहा है कि आपने वो न्यूज़ पढ़ ली है। न्यूज़? कैसी न्यूज़? मिस्टर सक्सेना के कत्ल की न्यूज़। सक्सेना? कौन सक्सेना? मैं किसी सक्सेना को नहीं जानता। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई मुजरिम एक पुलिस वाले को देखकर घबराता है। आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझाने ही तो आया हूं। समझ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो मुझे समझाना आता है। क्या नाम बताया था आपने? करण कपूर। हाँ तो मिस्टर कपूर, परसों रात आपके घर के सामने से एक खूबसूरत लड़की ने सक्सेना नाम के आदमी से लिफ्ट ली थी। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूं उसके बाद सफाई पेश कर। परसों रात जब वो लड़की मिस्टर सक्सेना से लिफ्ट मांग रही थी तो उस वक्त आप भी वहां मौजूद थे। Am I right, मिस्टर कपूर? Yes. आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं कैसे जानता हूं। परसों रात जब मैं पेट्रोलिंग के लिए निकला तो ठीक उसी वक्त वो लड़की मिस्टर सक्सेना से लिफ्ट ले रही थी और ठीक उसी वक्त मैं वहां से गुजर रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? कल रात मिस्टर सक्सेना की लाश कब्रिस्तान के बाहर एक नाले के पास पाई गई और ताजुब की बात तो यह है मिस्टर कपूर के यह खून भी ठीक उसी तरह से किया गया है जिस तरह इससे पहले 8 कत्ल किए जा चुके हैं। लेकिन इन सब बातों से मेरा या कामिनी का क्या ताल्लुक है? ओह, तो उसका नाम कामिनी है। कहां रहती हो? मैं नहीं जानता। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है मिस्टर कपूर? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फोटोग्राफर हूं और कामिनी एक मॉडल। इससे ज्यादा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, और वैसे भी उसने अपने नाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं बताया। वाह, ये भी खूब रही। वो आपकी मॉडल है और आपको उसके नाम के सिवा कुछ भी मालूम नहीं? मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं मिस्टर कपूर? आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप तो ऐसे तेवर दिखा रहे हैं जैसे ये कत्ल मैंने और कामिनी ने मिलकर किया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई मुजरिम या ब्लैक लिस्टेड नहीं हूं जो आपसे डर जाऊं और झूठ कहूं। मुझे जितना पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। आपका गुस्सा करने या चीख पुकार करने से मैं अपनी कार्रवाई बंद नहीं करूंगा। आप कामिनी के बारे में कुछ नहीं जानते ना सही, लेकिन वो आपके पास आती तो होगी। हाँ आती थी। अब वो जब भी आए तो उसे सीधा पुलिस स्टेशन भेज देना। मुझे उससे कुछ सवाल आप पूछने, और अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आए तो ये सारे सवाल मैं आपसे करूंगा मिस्टर करण कपूर, आपसे। डैमिट!